गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जीएसटीआर 9 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, जो कि है टेबल नंबर 6, और वो डील करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। काफी लोगों की क्वेश्चन ये आ रही है कि टेबल नंबर 6 में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों को डालना है वो कौन सा वाला अमाउंट डालना है, क्या हम लोग जो बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाया है वो डालना है हम लोगों को, या फिर जो हमने जीएसटीआर 3B जो फाइल किया है और उसके अंदर जो डेटा क्लेम किया है उस फिगर्स को टेबल नंबर 6 में दिखाना है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टेबल नंबर 6 में कौन सा फिगर्स आप डाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटीआर 9 के टेबल 6 में कौन सा आईटीसी डालना है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे डायरेक्टली जीएसटीआर 9, और जीएसटीआर 9 में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 को। ये हम लोगों का है बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। टेबल नंबर 6 जो है वो है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो अमाउंट ऑफ आईटीसी जो कि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल कर लिया है। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आईटीसी अवेल का मतलब होता है कि वैसा आईटीसी जो कि आपने अपने जीएसटीआर 3B के अंदर डाल दिया है तभी आपका आईटीसी को अवेल्ड माना जाता है। तो अब इसके अंदर जो चीजें बताई गई है वो एक बार हम लोग डिटेल्स में चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला कॉलम जो आता है टेबल नंबर 6A में, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। अब जब अपनी जीएसटीआर 3B भरते हैं उसके अंदर जो टेबल रहता है आईटीसी का, उसके अंदर आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज वाला लाइबिलिटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो, ऑल अदर आईटीसी, इंपोर्ट फ्रॉम सर्विसेज या एससीजेड से जो परचेज किया गया है वो, मतलब कुल मिला के जितने तरीके का परचेज का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न में, उन सारे अमाउंट को यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करवाया जाता है हेडवाइज। इंटीग्रेटेड टैक्स में कितना आ रहा है, सेंट्रल टैक्स में कितना है, स्टेट टैक्स में कितना है, और कॉम्पनसेशन सेस के अंदर क्या अमाउंट है। अब सवाल ये उठता है कि इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट आ रहा है ये तो 3B से आ रहा है, लेकिन अब कई लोगों को परेशानी आ रही है कि हमने जीएसटीआर 3B में जो अमाउंट क्लेम किया है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से डिफर कर रहा है, मतलब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है लेकिन जीएसटीआर 3B में कुछ और अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रहा है, या फिर हमारे जीएसटीआर 2A में कुछ और आ रहा है, हमने जीएसटीआर 3B में कुछ और क्लेम किया हुआ है। तो क्या हम लोग जो 6B से लेके 6E या 6F तक का जो अमाउंट हम लोगों को डालना है, बल्कि मैं कहूं कि 6G तक जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD वाला फिगर्स जो डालना है वो एज पर जीएसटीआर 3B होना चाहिए, या फिर वो हम लोग एज पर जीएसटीआर 2A या एज पर अकाउंट बुक्स भी डाल सकते हैं, मतलब कि जीएसटीआर 3B से अलग फिगर भी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पर लिखा गया डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन कि जब आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करेंगे तो जो अमाउंट आपने 3B में पुट ऑन कर दिया है उसके अलावा और कोई भी फिगर्स आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब समझिए यहाँ पर कि टेबल नंबर 6B जो है इनवर्ड सप्लाईज की बात करता है। यहाँ पर लिखा गया अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZs, मतलब यहाँ पर 6B में जो आपको डालना है वो डालना है जो आपने नॉर्मल परचेज किया है या फिर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है किसी SEZ यूनिट से, उस दोनों का अमाउंट आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डालना है, इनपुट के हेड में, इनपुट सर्विस के हेड में या फिर कैपिटल गुड्स के हेड में। तो अब जो यहाँ पर अमाउंट का ब्रेकअप होगा वो एग्जैक्टली एज पर 3B होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली एज पर 3B नहीं होगा तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फिगर्स दिखाया जा रहा है 3B का, उसका ब्रेकअप अगर आप सपोज करते हैं यहाँ पर एज पर जीएसटीआर 2A डाल देते हैं, तो एज पर जीएसटीआर 2A अगर आप डालेंगे तो आपका जो है यहाँ पर कॉलम नंबर J के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर डिफरेंस आ गया तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू कर सकता है कि आपने अपनी जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम किया है और जो आपने टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटीआर 9 में डिक्लेयर किया है उस दोनों में डिफरेंस है, तो उस दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपने जो भी जीएसटीआर 3B में पुट ऑन किया है उस फिगर्स का ब्रेकअप आप यहाँ पर डाल दीजिए। सिमिलरली टेबल नंबर 6C कहता है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज,
अब यहाँ पर जो अमाउंट है, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 9.3 या 9.4 कौन से वाले रिवर्स चार्ज की बात करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। मतलब अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाईज करी है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो बात है वो 9.4 तो स्पेसिफिक कहता था 1 जुलाई से लेकर 12 अक्टूबर तक इस पीरियड का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन से ही आपका डील होगा। लेकिन 9 सबसेक्शन 3 में दो कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो आप रजिस्टर्ड से भी ले सकते हैं या वो अनरजिस्टर्ड से भी हो सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड आरसीएम है आपका 9.3 वाला, तो उस वाले अमाउंट को भी आपको यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि जो आपने आरसीएम पे किया होगा और आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा वो आपने अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम किया होगा, जो कि आपके इस वाले टेबल में ऑटोमेटिकली आ रहा होगा टेबल नंबर 4A से जीएसटीआर 3B। ये हो गया इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये जो भी फिगर्स लेना है जो आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया उसी से लेना है आपको, और कोई डिफरेंट फिगर यहाँ पर नहीं डालना है। उसके बाद आता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबव। मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई ऐसी सप्लाई ली है जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर है, सपोज आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कोई सर्विस ली थी और वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है रजिस्टर्ड थी, अगर वो अनरजिस्टर्ड रहता तब तो वो ऊपर चला जाता, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो ऊपर गया, अगर वो रजिस्टर्ड है तो अब वो आपको टेबल नंबर 6D के अंदर डालना होगा। उस चीज को आप टेबल नंबर 6C के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड कैटेगरी में नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड आरसीएम और अनरजिस्टर्ड आरसीएम का क्या फर्क है। उसके अगला पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड। तो इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड, अगर आपने इंपोर्ट किया है कोई गुड या फिर आपने एसईजेड से कुछ माल लिया है तो उसका अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। ये फिगर्स आपको जीएसटीआर 2A में वैसे भी नहीं दिखने वाली है क्योंकि ये आपको बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आईटीसी क्लेम करना होता है, तो भी आपको 3B के अकॉर्डिंगली फिगर्स डालना होगा। उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो मैंने आपको पहले बताया उसका भी आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अगर आपने आईएसडी से कुछ क्रेडिट लिया हुआ है तो आईएसडी का क्रेडिट आपको यहाँ पर डालना है। कुल मिला के चीजें ये है कि आपको इस फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ वो फिगर्स डालनी है जो कि आपने 3B में ऑलरेडी अवेल कर लिया है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया और उसके बाद 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा तो आपने उसको रिवर्स किया होगा, और रिवर्स करने के बाद फिर से आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो आप दोबारा रिक्लेम करेंगे, तो उस रिक्लेम क्रेडिट के बाद कॉलम नंबर 6H करता है। इन सारे टेबल्स को भरने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा सब टोटल कॉलम नंबर 6B से लेके 6H तक। तो जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में क्लेम किया उसका ब्रेकअप आपने B से लेके H तक में डाल दिया 6A में, एक्चुअली अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। मतलब 3B में जो आपने क्लेम किया और ब्रेकअप ऑफ 3B वो दोनों को कंपेयर किया जाएगा और डिफरेंस निकल जाएगा टेबल नंबर 6J के अंदर, जो कि आइडियली सिचुएशन में ये जीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3B का ब्रेकअप ही आपको डालना है, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इस चीज को काफी लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि जीएसटीआर 3B में अगर हमने कुछ और फिगर्स डाल दिया है और हमने एक्चुअल में कुछ और फिगर्स है और जीएसटीआर 2A में कुछ और फिगर्स है तो इस चीज को अब कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। तो इस चीजों को समझने के लिए आप एक बार इसका हेल्प सेक्शन जो है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 6B के लिए टेबल 4A कॉलम नंबर 5 ऑफ जीएसटीआर 3B मे बी यूज फॉर फाइलिंग ऑफ दिस डिटेल्स। मतलब टेबल नंबर 4A5 जो जीएसटीआर 3B का है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेबल को फाइल करने के लिए। हालांकि यहाँ पे लिखा गया है मे बी यूज, मतलब आप मैंडेटरी नहीं है कि इस टेबल को यूज करना है, लेकिन जो टेबल का जो लाइन लिखा गया है, जो रेफरेंस दिया गया है, उसका जो इंटरप्रिटेशन निकलता है वो ये निकलता है कि आपको 3B का ही डेटा यूज करना है, उसके अलावा और कोई भी डेटा आप यूज नहीं कर सकते। तो इन चीजों को समझते हुए आपको अपना टेबल नंबर 6 जो है वो फिल करना है। अगर आपके टेबल 6 में 3B में कुछ और फिगर्स है, आपने एक्चुअल में कुछ और फिगर्स लिया है, आप जब एक्चुअली फिगर यहाँ डालेंगे और जब ये फिगर आपके टेबल नंबर 8 में जाएगा तो वो जीएसटीआर 2A से कंपेयर होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो आपको वहां पे चीजें देखनी होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये टेबल नंबर 6 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन समझ रही थी वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है।
और आगे चल के आपको अगर GSTR 9 या टेबल नंबर 6 रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क करें या आप हमें ईमेल कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन जा पाए और वो टेबल नंबर 6 को कैसे भरना है वो अच्छी तरीके से अब समझ ले। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।